Good morning, friends. I am Dr. Anita Sinha here in my YouTube channel Anita Bioconcept. आज मैं आपके साथ interferons टॉपिक पर चर्चा करूंगी. आगे बढ़ने से पहले आप सब मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें. उसके लिए आपको इंटरनेट में यूट्यूब में टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपके ईमेल में मेरे वीडियो लेक्चर्स अपलोड का नोटिफिकेशन आ जाएगा. मेरा मेन मोटो है कि आप सबों तक आपके सिलेबस के डिफरेंट टॉपिक्स की जानकारी पहुंच सके और आपको घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं. कोविड-19 की वजह से स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अभी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, बट आप घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. तो आइए हम शुरू करते हैं इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं. इंटरफेरॉन्स को हम वायरस इन्फेक्टेड प्रोटीन्स कहते हैं. ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब एक सेल वायरस से इन्फेक्ट होता है तब उसके रिस्पॉन्स में वो इंटरफेरॉन्स का सिक्रीशन करता है, प्रोडक्शन करता है और सिक्रीशन करता है, और बाहर आने के बाद वो इंटरफेरॉन्स अपने नियर बाई हेल्दी सेल्स को वायरसेस के इन्फेक्शन से बचाता है. इंटरफेरॉन्स वेयर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1957 बाई एलिक इजैक्स एंड जीन लिंडरमैन एट द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च इन लंदन. इसे हम इंटरफेरॉन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इंटरफेयर विद वायरस रेप्लिकेशन एंड प्रोलीफरेशन. ये वायरस के रेप्लिकेशन और प्रोलीफरेशन प्रोसेस के साथ इंटरफेयर करता है. इन एडिशन इंटरफेरॉन्स ऑल्सो शोज एंटी कैंसर एंड एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट. दे बिलोंग टू साइटोकाइन फैमिली. साइटोकाइंस क्या होते हैं? साइटोकाइंस एक तरह का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है जो सेल्स के बीच में एक कम्युनिकेशन क्रिएट करता है. साइटोकाइंस आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स. सो इंटरफेरॉन्स आर एंटीवायरल साइटोकाइंस. Interferons are a family of cytokines secreted by host cells in response to pathogens, especially viruses. अब हम interferons को define कर सकते हैं. Interferons can be defined as cell signaling proteins produced by the cells of immune system of most vertebrates in response to viral, parasitic infections and tumor cells. Interferons are categorized as cytokines, small proteins that are involved in intercellular signaling. अब हम जानेंगे interferons कितने प्रकार के होते हैं. There are three types of interferons named as alpha, beta and gamma. Interferon alpha leukocytes के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जो वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं. इंटरफेरॉन बीटा एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, जब वो वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तब इंटरफेरॉन बीटा का प्रोडक्शन होता है. इंटरफेरॉन गामा इज इंड्यूस्ड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स विद एंटीजन और नॉन सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स विद माइटोजेंस. It is believed that interferon alpha and beta originated from the same ancestral gene, whereas interferon gamma did not. Interferon के पास सिर्फ antiviral activity नहीं होता, but it is also having various kinds of biological activities, including cell growth inhibition. ये cell के growth को भी इनहिबिट करता है.
अब हम देखेंगे इंटरफेरॉन्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। इंटरफेरॉन्स आर स्पेसिफिक टुवर्ड्स स्पेशीज, वो अपने स्पेशीज के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। दे एक्ट थ्रू सेल सरफेस रिसेप्टर्स, दे आर इनएक्टिवेटेड बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, दे एक्ट एज पुअर एंटीजन, दे आर नॉन टॉक्सिक एंड कैन बी डिफ्यूज्ड फ्रीली इन द बॉडी, दे आर हैविंग वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट वायरसेस एंड दे आर स्टेबल एट पीएच 2 to 10। अब हम जान लेते हैं इंटरफेरॉन्स के इंड्यूसर्स क्या होते हैं, इंटरफेरॉन्स को कौन इंड्यूस करता है। इंड्यूसर्स ऑफ इंटरफेरॉन्स कैन बी वायरल और नॉन वायरल। वायरल इंड्यूसर्स कैन बी लाइव वायरसेस एज वेल एज एटेन्यूएटेड वायरसेस एंड नॉन वायरल इंड्यूसर्स कैन बी फंजाई, प्रोटोजोआ, इंडोटॉक्सिन्स एक्सेट्रा। नाउ कम टू बायोलॉजिकल फंक्शंस और इफेक्ट ऑफ इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स एंटीवायरल होते हैं, मीन्स वो वायरसेस के इन्फेक्शंस को रेजिस्ट कर सकते हैं। दे इनहिबिट सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन, वो सेल के ग्रोथ और प्रोलिफरेशन को भी इनहिबिट कर सकते हैं। दे कैन ट्रिगर द फैक्टर्स ऑफ इम्यून सिस्टम सो एज टू एलिमिनेट द पैथोजेंस फ्रॉम द बॉडी। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, इम्यून सिस्टम को वो मॉड्यूलेट करते हैं। इसके साथ ही वो टी सेल्स को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इम्यून सेल्स है, टी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। दे कैन इनहिबिट ट्यूमर ग्रोथ, वो ट्यूमर के ग्रोथ को भी रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। साथ ही साथ वो एंजियोजेनेसिस को भी इनहिबिट करते हैं। दे कैन स्टिमुलेट मैक्रोफेजेस, जो कि एक फेगोसिटिक सेल होता है, सेल्स होते हैं, उन्हें वो स्टिमुलेट करते हैं। दे ऑल्सो एक्टिवेट टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। अब हम जानेंगे इंटरफेरॉन्स के एक्शन मैकेनिज्म को, वो कैसे एक्ट करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, सेल्स जब वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं, देन इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, इंटरफेरॉन्स का प्रोडक्शन होता है। देन आफ्टर वो नियर बाय हेल्दी सेल्स के रिसेप्टर्स के साथ अटैच करते हैं और इन रिस्पॉन्स टू इंटरफेरॉन्स सेल्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एन एंजाइम नोन एज प्रोटीन काइनेज आर, जिसे हम PKR भी कहते हैं। दिस एंजाइम फॉस्फोराइलेट्स अ प्रोटीन नोन एज EIF2, मीन्स यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, इन रिस्पॉन्स टू न्यू वायरल इन्फेक्शंस। द फॉस्फोराइलेटेड EIF2 फॉर्म्स एन इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स विद अनदर प्रोटीन कॉल्ड EIF2B टू रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस विद इन द सेल। There is another cellular enzyme known as RNase L, ribonuclease L, which is also induced by interferon action. And ये enzyme जो भी RNA होते हैं cells के अंदर उनको वो destroy कर देता है. And it further reduces the protein synthesis of both viral and host genes.
it is going to inhibit the protein synthesis, impairs both virus replication and infected host cells. Side by side, in addition, interferons induce production of hundreds of other proteins, also known as interferon stimulated genes, जिसे हम ISG भी कहते हैं. These combat viruses and other actions produced by interferon. It has also been reported that they also limit viral spread by increasing P53 activity. P53 एक तरह का ट्यूमर सप्रेशर जीन्स होता है, विच किल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स बाय प्रमोटिंग द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, जिसे हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं. अब हम इस डायग्राम की सहायता से ये समझेंगे इंटरफेरॉन्स, जो मैंने अभी आपको बताया, ये कैसे काम करते हैं. यहाँ आप देखिए, टिश्यू सेल एक वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है और तब ये इंटरफेरॉन को रिलीज़ करता है. इंटरफेरॉन अपने सराउंडिंग सेल्स की तरफ डिफ्यूज़ करता है और उन सेल्स पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, और उसके बाद एक ऐसे तरह के प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है जो कि वायरल प्रोटीन्स के सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है, रोक देता है. एंड इन दिस वे इट प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ वायरस थ्रू आउट द बॉडी. इसी चीज़ को हम यहाँ डायग्राम में देखेंगे. ये वायरस है, वायरस का न्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर. वायरस जब सेल को इन्फेक्ट करता है, ये रेप्लिकेट करके न्यू वायरसेस बनाता है जो कि रिलीज़ करता है, बट उसके पहले ये इंटरफेरॉन्स को कैसे प्रोड्यूस कर रहा है. इंटरफेरॉन का जीन्स जो है वो टर्न ऑन हो जाता है, देन आफ्टर वो mRNA बनाता है और उसके बाद वो इंटरफेरॉन्स बनाता है. और इस तरह से यहाँ पे देखिए आप, इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड. ये पहला होस्ट है जो कि अभी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है और उसने इंटरफेरॉन बनाया और उसे प्रोड्यूस करके बाहर रिलीज़ कर दिया. अब आप यहाँ देखिए, नियर बाई जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल टू, ये इंटरफेरॉन्स फर्स्ट होस्ट सेल के द्वारा रिलीज होने के बाद सेल वन के थ्रू रिलीज़ होने के बाद, प्रोड्यूस होने के बाद, ये इंटरफेरॉन कुछ चेंजेस इंड्यूस करता है जो कि इस होस्ट सेल टू को प्रोटेक्ट करेगा. ये कैसे हो रहा है? इंटरफेरॉन बाइंडिंग स्टिमुलेट्स सेल टू टर्न ऑन जीन्स फॉर एंटीवायरल प्रोटीन्स. ये इंटरफेरॉन्स जीन्स को ऑन कर देता है जो कि एंटीवायरल प्रोटीन्स बनाता है, और यहाँ पे उस तरह के जीन्स ऑन होने के बाद, एंटीवायरल प्रोटीन्स यहाँ पे बनाने के बाद बाहर सीक्रेट हो गया, जो कि वायरल के रिप्रोडक्शन को, वायरस के रिप्रोडक्शन को ब्लॉक करेगा. तो इस तरह हमने देखा कि इंटरफेरॉन्स कैसे काम करता है. अब हम देखेंगे क्या इंटरफेरॉन्स डिजीजेज में भी कोई रोल प्ले करता है. यस, इंटरफेरॉन थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट सम कैंसर्स. इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट एंड कंट्रोल मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है. बोथ हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी आर ट्रीटेड विथ इंटरफेरॉन अल्फ़ा, जिसे हम जनरली ऑफन इन कॉम्बिनेशन विथ अदर एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ करते हैं. तो इस तरह हमने देखा इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, उनका प्रोडक्शन और सीक्रीशन कैसे होता है, और वो कैसे अपने नियर बाय हेल्दी सेल्स को वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरफेरॉन्स. आई होप यू लाइक माई वीडियो.
ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.